बेटी वेलकम टू यूनिट 10। जिस यूनिट का नाम है फ्लाइंग मैन, बहुत ध्यान से देखना, ये अपना आखिरी यूनिट है मैरीगोल्ड की क्लास 1 का। फ्लाइंग मैन का मतलब होता उड़ने वाला आदमी। रीड द पोयम अलाउड, रीड करना है अलाउड। अलाउड का मतलब जोर से, लाउड मतलब बोलते हैं ना जोर से। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई। मैं धीरे ही बोलूंगा अब। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। FM का मतलब होता है फ्लाइंग मैन। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई। फ्लाइंग मैन तुम कहां जा रहे हो इतना ऊपर उड़ के? बाप रे बाप, इतना ऊपर कहां है? ये लड़का है, ये देख रहा है, बोले फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, कहां जा रहे हो? ओवर द माउंटेन्स, किसके ऊपर चले गए तुम? माउंटेन्स के ऊपर। एंड ओवर द सी, पर्वत, माउंटेन मतलब पर्वत, पर्वत के भी ऊपर चले गए। सी मतलब समुद्र, समुद्र के भी ऊपर चले गए। फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी। कांट का मतलब होता कैन नॉट, यू टेक मी, क्या तुम मुझे नहीं ले जा सकते? सो नाइस पोयम। एक फ्लाइंग मैन है, वो बहुत ऊपर उड़ रहा है और वो धीरे से आता है आसमान में। लड़का बोलता है तुम पर्वत के ऊपर, समुद्र के ऊपर जा रहे हो, मेरे को भी तो लेके चलो, क्या नहीं ले जा सकते? फ्लाइंग मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊपर, मैन मतलब बता दिया, माउंटेन मतलब देखो कितना अच्छा है, बता दिया पहाड़। मैं तुमको ड्राइंग करना सिखाता हूँ पहाड़ की, क्या करना बताऊँ? ये जो एम बनता है ना, ऐसा ऐसा एम बना देना, वो पहाड़ लगेगा। सी समुद्र, टेक मतलब लेना, द माउंटेन्स आर हाई, माउंटेन कैसे रहते हैं? हाई, पर्वत देखो ऐसे 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 रहते हैं ना, हाई रहते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स कहाँ पे चलते हैं? उड़ते हैं स्काई में, आसमान में तो बर्ड उड़ेंगे। रीडिंग इज फन। वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो, कहाँ जा रहा था? मैं आपको ऊपर से लेके आता हूं, देखना। फ्लाइंग मैन फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन, कहाँ जा रहा था? ओवर द माउंटेन एंड ओवर द सी। वेयर डज द फ्लाइंग मैन गो? फ्लाइंग मैन गो, आंसर आएगा फ्लाइंग मैन गो ओवर द माउंटेन एंड सी। फ्लाइंग मैन गो ओवर द माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स एंड सी। फ्लाइंग मैन गो ओवर द माउंटेन्स एंड सी। वॉट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू? चाइल्ड क्या करना चाहता था? चाइल्ड भी उड़ना चाहता था उसके साथ। चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो विथ, किसके साथ? FM के साथ। FM का फुल फॉर्म फ्लाइंग मैन। चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो विथ फ्लाइंग मैन। कैन यू गेस हु इज फ्लाइंग मैन? चूज योर आंसर। अब आपको बताना है फ्लाइंग मैन कौन है। फ्लाइंग मैन सुपरमैन है, फ्लाइंग मैन पायलट है, एस्ट्रोनॉट है, बैटमैन है। आप ड्रेस देख लो, आप बता दोगे, मैंने भी कार्टून देखा है, ये कौन सा मैन है? सुपरमैन। पायलट तो नहीं होता, पायलट प्लेन के अंदर रहता है। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है जो काम करते हैं, ये एस्ट्रोनॉट ये भी उसमें ही काम करते हैं, अंतरिक्ष में ही काम करते हैं, पर ये यहाँ पे नहीं रहते, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ये भी एक प्रोफेशनल रहते हैं, एक प्रोफेशनल लोग रहते हैं। बैटमैन काला होता है, बैटमैन कैसा होता है? काला। नॉट टॉक अबाउट हिम, किसके बारे में बात करना है? सुपरमैन। अरे सुपरमैन का क्या बात करना भाई, कोई भी दिक्कत रहती थी सुपरमैन सॉल्व कर देता। हैव यू सीन एन एरोप्लेन? एरोप्लेन बादल में देखा है, बोलो यस। लेट्स प्रीटेंड यू आर अ पायलट। प्रीटेंड का मतलब भी यहाँ पे होता मान लो। प्रीटेंड का मतलब क्या होता? मान लो आप हो नहीं, प्रीटेंड कर लो, मतलब जो चीज नहीं है उसको मानना, वो कहलाता प्रीटेंड करना। जैसे मैं बहुत बहुत मीठा बोलता हूँ, ऐसा प्रीटेंड कर लो। भले कोई मीठा नहीं बोलता, बोले प्रीटेंड कर लो। कोई को रोना नहीं आ रहा, बोले प्रीटेंड करो कि तुम रो रहे हो, मतलब रोना नहीं आ रहा फिर भी रो, तो तुम पायलट नहीं हो, फिर भी प्रीटेंड करो कि तुम क्या हो, पायलट हो। और अब क्या उड़ाओ? एरोप्लेन। व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन? क्या दिखेगा एरोप्लेन में बाहर ड्यूरिंग द डे? कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? क्लाउड्स।
ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में भी क्या दिखेगा, क्लाउड्स, और कुछ नहीं दिखता प्लेन में, क्लाउड्स ही दिखते हैं। अगर आप कभी उसमें बैठो प्लेन में, खिड़की के बाहर देखो तो केवल धुआं धुआं दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता, वो दिन हो चाहे रात हो। रात में हालांकि डार्क दिखता है, क्या दिखेगा, एकदम डार्क, कालापन। What will you see inside your aeroplane? Inside आपके एरोप्लेन में आपको क्या दिखेंगे, पैसेंजर्स। आपके एरोप्लेन के अंदर क्या दिखेंगे, पैसेंजर्स। बहुत सारी चीजें रहती है, सीट रहती है, एयर हॉस्टेस रहती है, बहुत सारी चीज रहती है। से अलाउड, जोर से बोलना, मग, मग का मतलब होता है कोई जग, वो जो ले जाते ना अपन, मग का मतलब होएगा एक छोटा सा डब्बा। मग का मतलब क्या होगा, एक छोटा सा डब्बा। मूव का मतलब होता चलना, मूव का मतलब क्या होता, चलना। मम का मतलब होता चुप, कोई व्यक्ति एकदम मम बोलते ना, मम मतलब चुप, बोलते ना चुप हो जाओ, तो कीप योर सेल्फ मम, मम मतलब चुप, बोलो मम मतलब चुप। छोटा बच्चा पानी को हिंदी में मम मम बोलता है, वो अलग है, ये एमयूएम मम का मतलब क्या होता, चुप, बोलो मम का मतलब चुप। मूव का मतलब चलना, मग का मतलब डब्बा, मदर का मतलब होता माँ, मड का मतलब क्या होता है देख लो, मड का मतलब दो होता है, कीचड़ भी होता है मिट्टी भी होता है, मड का मतलब कीचड़ भी होता है और मिट्टी भी होता है। वेस, वेस का मतलब होता है जो उसमें आते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं वेस। वेल मछली होती है। व्यू का मतलब होता देखना, व्यू का मतलब क्या होता, देखना। वैन गाड़ी का नाम है। वोट, वोट का मतलब क्या बताऊं मैं तुमको, जब कोई तुम बड़े हो जाओगे ना 18 साल के अभी, तब तुमको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। वोट का मतलब होता किसी को कोई अधिकार देना, किसी के पक्ष में या विपक्ष में, उसको बोलते हैं वोट। वेव का मतलब होता लहर, वेव का मतलब क्या होता, लहर। वॉल दीवाल। वैक्स मोम को बोलते, मोमबत्ती के ऊपर जो रहता ना उसको क्या बोलते हैं, वैक्स। विंड मतलब हवा। वाई का मतलब क्या होता बताऊं, क्यों, वाई मतलब क्यों। नोट का मतलब लिखना। नी का मतलब घुटना। नाइट का मतलब बुनना, नाइट का मतलब क्या होता, बुनना, मैं लिख देता हूं। निप का मतलब होता कोई चीज का एकदम नोक जो रहती ना उसको बोलते हैं उसकी निप। नी का मतलब होता घुटना, नी का मतलब क्या होता, घुटना, नी का मतलब होता घुटना। नाइट का, इसको के साइलेंट है, इसमें के एन आई टी को कनाइट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते इसको, नाइट, एन आई टी, निट, इसका मतलब होता बुनना। निट का मतलब क्या होता, बुनना। के एन ओ टी नॉट, नॉट को भी कनॉट नहीं पढ़ते, के हट जाता, के साइलेंट हो जाता, केवल क्या पढ़ते, नॉट, और इसका मतलब होता किसी चीज पे जो गठान आती है ना उसको बोलते नॉट, गठान, गठान को इंग्लिश में क्या बोलते, नॉट। नॉट टाई बांधते होंगे ना आप, उसमें गठान रहती है, तो उसको हिंदी में बोलते गठान, इंग्लिश में बोलते नॉट। के साइलेंट है, ध्यान रखना, जब भी के पहले आता है और एन बाद में आता है, कौन पहले आता है, के बाद में क्या आता है, एन, तो के साइलेंट हो जाता है, इसको कनी नहीं पढ़ते, केवल क्या पढ़ते, नी, एन डबल ई नी, इसको कनाइट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, निट, कनॉट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, नॉट, मतलब के रहता है पर उसको बोलते नहीं, उसको इंग्लिश में साइलेंट बोलते हैं। विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड्स लाइक हाई, एक ऐसा वर्ड बताओ जो किसके समान साउंड करता है, हाई के समान। आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो किसके समान साउंड करेगा, हाई, बोलो मग, मूव, मम, मदर, मड, हाई, क्या आना चाहिए, हाई। वेस, वेल, व्यू, वैन, वोट, वेव, वॉल, हाई के समान आ रहा क्या कोई भी, अरे बोलो ना, हाई, नी, हाई, नी, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। Which word rhyme with me? किसके समान rhyme करना चाहिए? Me. बोलो me, नी, नी me, नी me. Rhyme हो रहा कि नहीं हो रहा? Rhyme मतलब एक समान. Rhyme मतलब एक समान. जैसे twinkle, twinkle, दो बार आया. Little star. How I wonder what you are. Star और are. Rhyme हुआ ना एक समान. ऐसे ही नी और me और वो हाई के साथ हो जाएगा नी. What shall I be when I grow up? Match the following. A person who sails ship. A person who sails a ship. जो किसको चलाएगा? Ship को चलाएगा. A person who flies a spaceship. अब जो किसको चलाएगा? Spaceship को. मैंने आपको बोला था ना, एक बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा. A person who draws or paints. जो drawing बनाएगा या painting करेगा. A person who makes sick people well. एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार का इलाज करेगा. यहां से देखना, जो बीमार का इलाज करेगा वो क्या बनेगा? डॉक्टर. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो पेंट करता है वो क्या कहलाएगा? आर्टिस्ट. बोलते ना पेंट करता है तो क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट.
जो जो शिप चलाता है स्पेस वाला वो कहलाता है एस्ट्रोनॉट, या अंतरिक्ष में चलाते हैं। मैंने बोला था ना वो एस्ट्रोनॉट ऐसे रहते हैं, देख लो ऐसी ड्रेस बन गई, मतलब ये एस्ट्रोनॉट। और खाली शिप चला रहा है तो सेलर, आपने वो देखी होगी पोपाय द सेलर मैन, तो ये है सेलर। ये कौन है? सेलर। और ये कौन है? एस्ट्रोनॉट, क्योंकि ये कहाँ का जहाज चलाते हैं? स्पेस का। जो पेंट करेगा वो आर्टिस्ट। अब यहां पे देखना डेंटिस्ट क्या होता है, जो डॉक्टर दांत का इलाज करता है ना वो डेंटिस्ट कहलाता है। जो दांत का इलाज करता है वो क्या कहलाता है? डेंटिस्ट। मैं और लेके आऊंगा। अ पर्सन हु ग्रो क्रॉप, क्रॉप कौन ग्रो करेगा? फार्मर। अ पर्सन हु ब्रिंग लेटर्स, अ पर्सन हु मेक क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स बनाएगा जो ये करेगा वो कौन होता है? अ पर्सन हु ब्रिंग लेटर, लेटर लेके कौन आएगा? पोस्टमैन। अ पर्सन हु वर्क इन स्कूल, स्कूल में जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? टीचर। जो क्रॉप ग्रो करेगा वो क्या करेगा? फार्मर। अ पर्सन हु मेक क्लॉथ्स, अ पर्सन हु वर्क इन स्कूल, ये आगे आते जाएंगे देखते चलना। अ पर्सन हु चेक टीथ, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जो टिथ चेक करेगा वो किसके साथ जाएगा? डेंटिस्ट। इसको किससे मैच करना? डेंटिस्ट। अ पर्सन हु वर्क इन द स्कूल, इसको किससे मैच करना? टीचर। मैच हो रहा ना बराबर, यहां पे आएगा डेंटिस्ट, यहां पे आएगा टीचर, और यहां पे जो क्लॉथ बनाएगा उसको किससे मैच करना? टेलर। क्रॉप जो ग्रो करेगा वो क्या हो जाएगा? फार्मर। बना ना। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है वो क्या बनेगा? पायलट। बेफिक्र रहना, मैं सबके सामने लिख के दे रहा हूं, तुमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस तुम मैच यहां से कर लेना, मैं लिख के देते जाता हूं। जो शिप सेल करता है, पहले वाले का आंसर आएगा सेलर, याद हुआ? जो शिप सेल करेगा वो क्या बनेगा? सेलर। अगर स्पेसशिप है तो बनेगा एस्ट्रोनॉट, क्या बनेगा? एस्ट्रोनॉट, स्पेलिंग ध्यान कर लो, एस्ट्रोनॉट। ये दो हुए। फिर तीसरा, अ पर्सन हु ड्रॉ और पेंट, इसका आंसर आएगा आर्टिस्ट, artist, आर्टिस्ट। अ पर्सन हु मेक सिक पीपल वेल, जो बीमार का इलाज करेगा, इसका आंसर आएगा डॉक्टर, इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर। अ पर्सन हु ब्रिंग लेटर, इसका आंसर क्या आएगा? पोस्ट मैन। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? अ पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स, एक व्यक्ति है जो क्या उगा रहा है? क्रॉप्स। अगर वो क्रॉप्स उगाता है तो वो कहलाएगा फार्मर, क्या कहलाएगा? farmer, फार्मर। अ पर्सन हु मेक क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बना रहा है तो कहलाएगा टेलर। स्कूल में काम कर रहा है तो कहलाएगा teacher, टीचर। अगर टिक चेक कर रहा है तो कहलाएगा dentist, डेंटिस्ट। मैंने स्पेस कम होने की वजह से सबके सामने लिख दिया, आप बिल्कुल चिंता मत करना। एरोप्लेन उड़ा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पायलट। जल्दी से देख लो, मैं ऐसे याद कराता हूं। अगर सेल करता है वो शिप को तो कहलाएगा सेलर, बोलो शिप है तो सेलर, बोलो शिप है तो सेलर, यहां से देखते चलना। अगर शिप है तो सेलर, स्पेसशिप है तो एस्ट्रोनॉट, स्पेसशिप है तो एस्ट्रोनॉट, पेंट है तो आर्टिस्ट, सिक पीपल है तो डॉक्टर, लेटर लाएगा तो पोस्टमैन, क्रॉप आएगी तो फार्मर, क्लॉथ आएगा तो टेलर, स्कूल आएगा तो टीचर, टिथ आएगा तो डेंटिस्ट, एरोप्लेन आएगा तो पायलट। हो गया WXYZ, लिखते चलना। ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ, द टेलर एंड हिज फ्रेंड्स, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं टेलर और उसके फ्रेंड की कहानी। किस किस की कहानी? टेलर और उसके फ्रेंड। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, कालू नाम का एक टेलर है, काला होगा इसलिए उसका नाम कालू पड़ गया, ऐसा सोचते हैं, गलत है, टेलर है, उसका नाम है कालू, उसकी शॉप है रिवर के पास। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो क्या बनाता है? पैंट सिलता है और शर्ट सिलता है। अप्पू, हमारा प्यारा अप्पू, अप्पू कौन है? एलिफेंट। वॉज हिज फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, जानवरों से भी दोस्ती होती है। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे, कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट, कालू उसको बहुत सारी चीजें खाने को देता है। हाथी पाल लिया कालू ने, बताओ क्या गजब है। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक, एक दिन कालू ट्रिक करता है, ट्रिक का मतलब होता है चाल, बोलो ट्रिक का मतलब क्या होता? चाल। ही डिड नॉट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट,
उसने अप्पू को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही टुक आउट हिज निडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड। ओ हो हो, ये समझो, निडल का मतलब होता सुई, निडल का मतलब क्या होता सुई, और प्रिक का मतलब होता चुभाना। बोलो प्रिक का मतलब क्या होता, चुभाना। खाने को नहीं दिया और सुई चुभा दी। ओ हो हो, अप्पू स्ट्रंग, अप्पू रैन अवे इन पेन। देखो कितनी बेकार बात है, ये टेलर रोज इसको खिलाता, एक दिन उसने उसको सुई चुभा दी। अरे 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 अरे, भाग गया वो पेन में, डर के मारे भाग गया। टू डेज लेटर अप्पू केम डाउन टू रिवर। अब उसने चाल खेली ना, अब अप्पू की बारी। टू डेज लेटर अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल हिज ट्रंक विद वाटर। ट्रंक का मतलब होता सून, ट्रंक का मतलब क्या होता सून। इसने सून में सुई चुबाई थी ना, अब बताता हूं। अप्पू बोलता है क्या किया उसने, समुद्र का पानी उसने सुखा के अपनी सून में भर के लेके आ गया। ही रीच्ड कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। कालू की दुकान में गया और थ्रू, थ्रू मतलब फेंकना, क्या फेंका उसने, पानी फेंक दिया हर जगह। ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट, वेट का मतलब होता गीले। अब कपड़े के ऊपर पानी लगेगा तो गीले नहीं होंगे, पूरे के पूरे कपड़े क्या हो गए, गीले। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड। अप्पू ने क्या किया, उसकी ट्रंक शुक की, शुक मतलब उसको घुमाया हिलाया, एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। बोले एलिफेंट कभी फॉरगेट नहीं करता, फॉरगेट का मतलब होता भूलना, बोलते ना मैं भूल गया, आई फॉरगेट, पर हाथी कभी भूलता नहीं। कालू सेड आई एम सॉरी, ये सबसे अच्छा शब्द है इंग्लिश का, क्या सॉरी, कोई भी गलती हो जाए क्या बोलो सॉरी। अप्पू लेट बी फ्रेंड्स अगेन, फिर से दोस्ती कर लेते हैं, लेट मतलब मान लो, लेट अस बी फ्रेंड अगेन। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड। स्टोरी देख लो, कालू था, अप्पू को रोज खाना देता था, एक दिन खाने की जगह निडल चुबाई, अप्पू ने कहा रुक मैं बताता हूं, उसने पूरा पानी फेंक दिया। फ्रेंड मतलब, अरे आप मेरे फ्रेंड हो ना, फ्रेंड मतलब दोस्त। पेन मतलब दर्द, पेन का मतलब क्या होता दर्द। शॉप का मतलब होता दुकान, शॉप का मतलब क्या होता दुकान। टेलर को हिंदी में बोलते दर जी। ट्रिक का मतलब होता चाल, उसने चाल चली थी ना, उसको निडल चुबाई थी। वेट का मतलब होता गीला। द टेलर हैड अ शॉप, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आप मेरे फ्रेंड। रीडिंग इज फन। हु वॉज कालू, आंसर बोलो यार तुम तो, कालू कौन था, टेलर, तो आंसर ऐसा बनेगा कालू वॉज अ टेलर। हु वॉज कालू, कालू वॉज अ टेलर। हु वॉज अप्पू, अप्पू कौन था, देखो कालू अ टेलर, टेलर है तो ए, अप्पू एलिफेंट है ना, एलिफेंट में ई आया ना तो एन आ जाएगा, तो अप्पू वॉज एन, ए की जगह यहां पे क्या लगेगा एन, ई एल ई पी एच ए एन टी, अप्पू वॉज एन एलिफेंट। वेयर वॉज कालू शॉप, कालू की दुकान कहां थी, तो आंसर आएगा कालू शॉप वॉज नदी के पास, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे नियर द रिवर। कालू शॉप वॉज नियर द रिवर। वॉट ट्रिक डिड कालू प्ले टू अप्पू, कालू ने अप्पू के साथ में क्या ट्रिक पे की, निडल चुभाई। कालू प्रिक अप्पू विथ निडल, कालू प्रिक अप्पू विथ अ निडल, उसको एक सुई चुबाई थी कि नहीं चुबाई थी, कालू प्रिक अप्पू विथ अ निडल। हाउ डिड कालूज क्लॉथ बिकम वेट, कैसे क्लॉथ उसके गीले कैसे हुए थे, गीले कैसे हुए थे कालू के कपड़े, अरे बोलो बोलो बोलो, कालू के कपड़े गीले कैसे हुए थे, बाय अप्पूज ट्रंक, कालूज क्लॉथ बिकम वेट बाय अप्पूज ट्रंक। What do you do when someone troubles you? आप क्या करते हो जब कोई आपको परेशान करता है, ये आप बताना, कोई आपको ट्रबल करे तो आप क्या करते हो। When you are angry, आपको कब गुस्सा आता है। When you don't want to share, कब आप कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते हो। When someone asks you for a pencil, कोई आपसे पेंसिल का कब पूछता है, ये आप बताना, वो आपकी बातचीत है भैया, मैं छोटे बच्चों के बीच में नहीं पढ़ता। What game do you play with your friends? आपके दोस्तों के साथ में क्या खेलते हो बताओ। Can you walk and make sounds like an elephant? क्या तुम हाथी के जैसा वाह आवाज निकाल सकते हो। The tailor had a shop near the river. Where is your house? My house is near. मेरा घर किसके पास है बताऊं?
टेम्पल के पास है, तो मैं बोलूंगा माई हाउस इज नियर द टेम्पल, टी ए एम पी एल ई टेम्पल। मेरा घर मंदिर के पास है तो मैं बोलूंगा माई हाउस इज नियर द टेम्पल। अगर आपका घर किसी शॉप के पास में है या किसी मॉल के पास में है तो आप बोल सकते हैं माई हाउस इज नियर द मॉल। आप समझे ना, एड्रेस बताने का तरीका है नियर, नियर मतलब इसके पास। मेक मोर सेंटेंस लाइक द अबव गिविंग विद द वर्ड माई स्कूल, माई स्कूल इज नियर, मेरा स्कूल किसके पास है, माई स्कूल इज नियर किसके पास में है वो आपको बताना है। फ्रेंड का हाउस कहाँ है, वेल कहाँ है, एलिफेंट कहाँ है, एरोप्लेन कहाँ है, बुक कहाँ है, आपको बताना है। जोर से बोलो जैम, जैम का मतलब वही ब्रेड के साथ जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैम। गाड़ी को बोलते हैं जीप। जॉय का मतलब होता बहुत खुश। जग का मतलब होता जिससे पानी भरते। जूस का मतलब होता जिसको निचोड़ देते। पेन का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी होता परमानेंट अकाउंट नंबर, और यहाँ पे पेन का मतलब होता जो खाना बनाने का रहता ना फ्राई पैन, पेन, पेन का मतलब लिखने वाला पेन। पिक का मतलब होता किसी को उठाना। पिंक का मतलब गुलाबी कलर। पुट का मतलब होता रखना। ईयर का मतलब साल। ईल का मतलब होता चिल्लाना। ईल का मतलब क्या होता, चिल्लाना। येलो पीला, यस हाँ। यंग का मतलब होता जवान। यंग का मतलब क्या होता, जवान। उसके बाद में जेब्रा, वही जिसके ऊपर लाइनें बने रहती ना वो क्या कहलाता, जेब्रा। जिगजैग, इसको जिगजैग बोलते, यू यू को जिगजैग बोलते। जिप का मतलब होता चैन, जो पेंट की चैन या कोई भी चैन है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिप, ZIP, zip। जू का मतलब जहां जानवर रहते हैं। जूम का मतलब होता है किसी चीज को ऐसा ऐसा करते ना, ये देखो उसको बढ़ाया घटाया तो बोलते हैं जूम, ये हुआ तो जूम इन जूम आउट, ऊपर किया तो जूम इन, नीचे किया तो जूम आउट, जूम का मतलब बढ़ाना। पिक द ऑड वन, वन हैज बीन डन फॉर यू। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात बताई, देखते सी हो जाएगा। देखो एप्पल बनाना ग्रेप्स, एप्पल बनाना ग्रेप्स, ये सब खाने की चीजें। हाथी अलग, संडे मंडे फ्राइडे ये सब देना ये अलग, मार्च अप्रैल में सब सही है और ये अलग। अब यहाँ पे देखना, बस से भी जाएंगे, इससे भी जाएंगे, इससे भी जाएंगे, मिल क्या हो जाएगा अलग, समझ में आ रहा ना, और को कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये भी पढ़ाई के काम आएगी, ये भी पढ़ाई के काम आएगी, ये भी पढ़ाई के काम आएगी, ये अलग। यहाँ पे ये फ्लावर अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी खाने का, ये भी खाने का, ये भी खाने का, फ्लावर अलग। अब देखो ये तो देखते से हो रहा है, ये सब काम कर रहे और ये टेबल कोई काम का नहीं, तो सब सही हो जाएंगे और ये टेबल हो जाएगा अलग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मेक फ्रेंडशिप बैंड, यहाँ पे फ्रेंडशिप बैंड बनाना है, पेपर लगेगा, सीजर लगेगा, ग्लू लगेगी, रिबन लगेगा, क्या करना है ध्यान से देखना। मटेरियल है आपको डेकोरेट करना है, कलर करना है, ये मेरे वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा, एक वीडियो है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का, उस पर देखना। आपको फ्रेंडशिप बैंड बनाना बिल्कुल अच्छे से बता देगा कि कैसे आपको फ्रेंडशिप बैंड बनाना है, मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। नाउ योर फ्रेंडशिप बैंड इज रेडी टू बी टाइट, टाइट का मतलब होता बांधना, अराउंड योर फ्रेंड्स रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता कलाई, जैसे अपन कलाई पे बांधते ना, तो ये फ्रेंडशिप बैंड अपन को बांधना है। यू कैन यूज डिफरेंट मटीरियल टू डेकोरेट ईच फ्लावर, एग्जाम्पल बटन, लेस, स्क्रीन्स, बेड्स, ग्लिटर, ये सब लेके अपन उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आज अपना क्लास वन का मैरी गोल्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। आपने यहाँ तक के मेरा साथ दिया, मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, आपके इतने सपोर्ट से मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कीप सपोर्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, थैंक यू वेरी मच।